अमेठी जिले में 9 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वर्तमान 235 एक्टिव केस हैं। सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कार्यालय में जनता की समस्याएं सुनी गईं तथा संबंधित को निस्तारण हेतु दिए गए निर्देश। सुल्तानपुर में मृतिका मंगीता का 2.5 माह बाद कब्र से खोदा जा रहा शव। डीएम रवीश कुमार गुप्ता के आदेश पर होगा रिपोस्टमार्टम। मंगीता मौत कांड में पोस्टमार्टम व पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए भाई ने डीएम से मिलकर की थी रिपोस्टमार्टम की मांग। तत्कालीन नगर कोतवाल भूपेंद्र सिंह ने नहीं दर्ज किया था मुकदमा। भूमिका पर उठा था सवाल, तहरीर मिलने के बाद भी नहीं दर्ज हुई थी एफआईआर। आरोपियों के प्रभाव में पुलिस करती रही खेल, बगैर केस दर्ज किए व जांच के ही पुलिस आरोपी ससुराली जनों को देती रही क्लीन चिट। घटना के बाद बिना पोस्टमार्टम कराए शव को जलाना चाहता था आरोपी पक्ष। मायके वालों के विरोध पर गाड़ी गई थी लाश, मौके पर नियुक्त मजिस्ट्रेट व पुलिस बल मौजूद। कोतवाली नगर क्षेत्र के प्यागीपुर इलाके का है मामला। सुल्तानपुर की बल्दी राय पुलिस को मिली सफलता। 24 घंटे के अंदर चोरी हुई मोटरसाइकिल को बरामद करके चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा गया। अमेठी में चाय नाश्ते के होटल पर मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों से आधा दर्जन से अधिक लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी पहुंचाया गया। सभी घायलों का चल रहा है उपचार। अमेठी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत घाघू घाट चौराहे का है मामला। अमेठी में संयुक्त मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में शराब की सरकारी ठेके पर चला सघन अभियान। जामो परिक्षेत्र में पड़ने वाले सभी शराब देसी व अंग्रेजी के दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने स्टॉक बुक, उपलब्ध मदिरा बार, QR कोड आदि का सत्यापन किया। इसके साथ शराब की दुकान के सभी सेल्समैन को निर्देशित किया कि शराब की मात्रा व क्वालिटी में किसी तरह से हेरफेर नहीं होना चाहिए, अन्यथा कठोर व सख्त कार्यवाही होगी। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 न्यूज चैनल।